जिंदगी, मैं तो मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी वहां उतर जाऊंगा। एक इश्क ऐसा भी है जो मुकम्मल होते नजर नहीं आता, और एक इश्क ऐसा भी जिसकी चाह में सदियां बीत जाती हैं। और आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो कहानी बहुत ही अनोखे इश्क की है। ऐसे दो राह चलते अजनबियों की जिनके मिलने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके रास्ते इतने अलग थे पर इश्क ने मंजिल एक कर दी और एक दूसरे से मिलने पे मजबूर। आई एम प्रिंस नरुला और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 9। तो आइए देखते हैं गुड्डू और मैडम जी की कहानी, मेरा मतलब प्रीति की कहानी। पप्पू टाइम बता जल्दी से। पाजी खोता बना दिया आपने फिर से। अरे तू हर बार खोता बन क्यों जाता है फिर? पाजी जल रहा है, जल रहा है। अरे दिखा 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 और पूरी चाय गिर। ओ नहीं पाजी, ओ पाजी, पाजी ओ मेरी गड्डी, ओए बसूड़ी पै गई। मैडम जी क्या? आई किल यू। यू नो व्हाट? आई सी यू। ब्लडी इंसेक्ट्स। ठंडा पानी। थोड़ा पी भी लीजिए और आपको जरूरत भी है। व्हाट द हेल इज हैपनिंग टुडे? फर्स्ट शिट हैपेंड टू माय कार। ओह गॉड। हेलो, व्हाट आर यू लुकिंग एट? लड़की नहीं देखी कभी? गो गेट मी सम मोर वाटर। ओ गॉड, हाउ एम आई सपोज टू गेट टू द एयरपोर्ट? माय फ्लाइट। कैन यू स्टॉप स्टेयरिंग एट मी? मैडम जी सॉरी, ये चाची सो, मैंने ये कीचड़ आपके ऊपर जानबूझ के नहीं फेंका। ओ जी गड्डी अनकंट्रोल हो गई और जाके गड्ढे में फंस गई और तुसी ऐसे ही खड़े थे। तुसी ऐसे क्यों खड़े थे? ओ जी, यू इंग्लिश? आई नो इंग्लिश। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आई ओनली पंजाबी। एक मिनट जी, एक मिनट। ओ पप्पू इतने आई। ओ पाजी नहीं, इतने आई। आ गया। पाजी जी इज मेरा फ्रेंड। हाय हाय जी, इसे टीच इंग्लिश आती है। मैडम बात से, मैडम को अंग्रेजी में बात करनी है। बात कर। हेलो जी, माई सेल्फ पप्पू, हाउ कैन आई हेल्प यू जी? लिसन पप्पू, आई रियली नीड टू गेट टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट? हाँ लेट। ओ यस यस, वी विल ड्रॉप यू। पाजी एयरपोर्ट के लिए लेट हो रही है, छिट्टी छट क्या हो? इतनी सी बात, गुड्डू की टैक्सी कब काम आएगी? आइए आइए पप्पू। वन मोर प्रॉब्लम। एक और। माय कार इज नॉट वर्किंग एंड द ड्राइवर इज आल्सो नॉट हियर। ओह टेंशन नॉट जी, ही ड्रॉप यू टिल एयरपोर्ट, आई विल वेट फॉर ड्राइवर। पाजी मैं इनके ड्राइवर की वेट करता हूँ, जल्दी छोड़ कर आओ एयरपोर्ट। जाओ। ओके जी ओके। मैडम जी आइए। पप्पू सामान रख जल्दी। कम ओ जी मैडम जी, ये लड़कियों को परेशान रहना बहुत पसंद होता है क्या? मतलब कि जी आप ही को देख लो, जब प्रॉब्लम थी तब भी परेशान थी, अब जब सब कुछ सही हो गया है और हम हवाई अड्डा के रास्ते पे हैं, तब भी परेशान है। क्यों जी? नहीं जस्ट ड्राइव। चलो जी कोई नहीं जी। मैडम जी अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हुआ, लेकिन हम एक दूसरे का नाम तो जान सकते हैं ना। अब माई सेल्फ गुड्डू और आप आगे देख के चलाओ यार। व्हाट आर यू डूइंग? चलो जी आप अपने ख्यालों से तो बाहर आई। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली आउट ऑफ।
है तो वो परी जैसी लेकिन थोड़ी उदास है, है तो वो परी जैसी लेकिन थोड़ी उदास है, लेकिन ये झल्ली किसी की तो खास है। That's beautiful. तुमने लिखी है? आपको पसंद आई जी? हाँ जी, मैंने ही लिखी है। ओ जी, मैं ऐसा बोल सकता था क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो नहीं, मैंने नहीं लिखा, किसी और का है। सिली गाय। एक्सक्यूज मी। हेलो सैम, वेयर आर यू? आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग। न्यूयॉर्क? बट मेरी टिकट तो लंदन की है, तो वेयर आर वी मीटिंग? नहीं, मतलब लिसन सैम, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? हाँ, इज इट माई फॉल्ट? अब सॉरी सैम, प्लीज डोंट डू दिस टू मी सैम, प्लीज, आई ऑलरेडी लेफ्ट होम, व्हाट विल आई डू? सैम, एक बार तो मेरी बात सुनो सैम। स्टॉप द कार। क्यों जी? स्टॉप द कार। जोर से जी, और जोर से। तेरी माँ की, 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 तेरी माँ की। You're sweet. ईंट जी? मतलब तुम बहुत अच्छे हो। Thank you जी, thank you. Okay now do one thing. Take a U-turn. अब हम एयरपोर्ट नहीं, घर चलेंगे. Okay? ओके जी ओके। तेरी माँ की, तेरी माँ, तेरी माँ। वैसे गुड्डू, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू यार। क्यों जी? आई मीन मैं पापा से फाइट करके आई थी और अब वापस कैसे जाऊं? ओ जी, पापा आपके हैं या पड़ोसी के? व्हाट? मेरा मतलब है कि पापा लोग बहुत अच्छे होते हैं, चुटकी में माफ कर देते हैं, आपको भी माफ कर देंगे। मेरा ऐसा नहीं है, छोड़ो। है जी, छोड़ो जी, छोड़ो, छोड़ दिया। आ गई तुम? काफी देर हो चुकी है, सोने की तैयारी करो। आप ऑलरेडी जानते थे कि आई एम कमिंग बैक। हाँ, अपने पापा से तुम कितनी देर तक दूर रह सकती हो? पापा, आप जानते थे ना कि मैं वापस आऊंगी। आपने सैम से कुछ कहा होगा? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, एक नंबर का डरपोक आदमी था वो, शादी की बात सुनकर भाग गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। क्या पापा? अब वो ही करो जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था, मेरे भाई के बेटे रणवीर से शादी। बट पापा, रणवीर इज ए गुड बॉय, और तुमने तो पहले ही कहा था ना कि सैम अगर मुकर जाएगा हम दोनों जैसा कहेंगे वैसा ही तुम करोगी, isn't it? दो हफ्तों में रणवीर यहाँ आ जाएगा, फिर तुम्हारी सगाई पक्की कर देंगे। क्यों कुलदीप जी? ओके। अरे पर पापा, अब ये
अरे मैडम कहाँ जा रही हो? क्यों शर्मा रही हो? ले चलो ना, दुनिया घुमाते हैं तुम्हें। ओए ओए क्यों आया गुड्डू जी? क्या परेशानी है? क्या है बे? हाँ कॉलर छोड़ पछताएगा। नहीं छोड़ता तो क्या कर लेगा? तेरी माँ की। रुक तुझे। तेरी तो ये ले मारो। तेरी माँ की ये ले। अब लड़ी छेड़ के दिखाओ। गुड्डू जी मारो मारो उसे। हाँ मारो। हट हट। थैंक्स यार गुड्डू। मैडम जी अरे मैडम जी आपके कंगन तो बहुत सुंदर है। किसने दिए? मेरी मॉम के। अब बहुत सुंदर है जी। मैं 8 साल का था जब मेरे माँ बाप दोनों जल बसे। मेरा भी कोई नहीं है सिर्फ चाची के सिवा। मेरी चाची है ना, उन्होंने बचपन से लेकर अब तक पाला है मुझे। मैं आपको उनसे मिलवाने ले जाऊंगा, ठीक है ना? और आपको भी ना उनसे मिलने के बाद बिल्कुल माँ वाली फीलिंग आएगी। You're so sweet, Guttu. बिल्कुल चलेगी जैसा। हाँ, but straight, सीधा। सीधा। मैडम जी आपने कभी गुलाब जामुन खाए हैं? वो व्हाइट वाले? नहीं नहीं नहीं, काले वाले। नहीं खाए? ओए पप्पू। हाँ जी पाजी। मैडम ने कभी गुलाब जामुन ही नहीं खाए। लो गाली नहीं कोई फिर। मैडम जी आज खाओगे आप? ओके लेट्स ट्राई। मैडम एक मिनट। शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफर जिसे ढूंढा। मैडम जी हो गया। हो गया क्या मैडम जी? ओ मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी ये आपके लिए। क्या फिर मिलेंगे चलते चलते हम हैं हैं अब छठू जी बड़े नौटंकी लड़का है। अजी खून में पाजी के। थैंक्स गुड्डू हमें इतना स्माइल कराने के लिए और इन स्टूपिड बॉयज से बचाने। बट एनीवेज तुमने हमें पूरा दिन एंटरटेन किया। आई एम गोना टू गिव यू समथिंग। परी गिफ्ट दे रही है लड़की। ये लो गो अहेड रख लो इसे। ये क्या है मैडम जी? पैसे आप अपने पास रखिए। मैंने इनके लिए आपको नहीं हंसाया। मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा इसीलिए ये सब किया। कोई नहीं जी छड्डो मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। अरे गुट्टू गुट्टू आई एम सो सॉरी। आई विल सी यू टुमारो। एक्चुअली मुझे थोड़ा और घूमना है। प्लीज से यस गुड्डू। वी विल मीट योर चाची टुमारो। प्लीज प्लीज गुड्डू प्लीज आई एम सॉरी। ओके जी ओके। अब चाची से मिलना है तो फिर खाली मिल लेते। डन। ओके जी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जी। ओ चाची जी देखो किसे लाया हूं आपसे मिलवाने के लिए।
जिंदा रहे पुत्र। बेटा ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में तूने मुझे बताया था? हाँ ये वही मैडम जी। हेलो। हेलो जी, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, बातें करो जी। जी आंटी। अरे अब आइए। थैंक यू गुड्डू। तो ये है हमारा घर। मस्त है। चाची और मैं यहीं पे रहते हैं। पानी। थैंक यू चाची। गुड्डू ये तो सच में मोम की गुड़िया जैसी खूबसूरत है और उतनी सोनी भी है। माफ करना मैडम जी, हमारा गुड्डू है ना थोड़ा ज्यादा ही बड़बड़ करता रहता है, लेकिन ना दिल का बड़ा साफ और नेक बंदा है जी। चाची तारीफें बाद में, अभी बहुत जोरों से भूख लगी है और इतने दिन हो गए आपके हाथ के पराठे भी नहीं खाए। आंटी दिस इज टेस्टी। आठ साल का था ना तब भी वो पहला निवाला मेरे हाथ से खाता था और आज भी। क्या है ना पुत्र, इसकी माँ नहीं है और मेरा बच्चा नहीं है, शायद रब ने इसीलिए मिलाया हम दोनों को। अरे पुत्र जी आप तो रोने लगे। अरे मैडम जी आप? नो नो आई एम फाइन आंटी, एक्चुअली यू रिमाइंड मी ऑफ माय मॉम, आई मिस हर एट टाइम्स। पुत्र जी आप यहाँ की पढ़े लिखे तो नहीं लगती हो। मैडम जी लंदन से हैं। After my mom died, dad got us in India and अब मेरी step mom चाहती है कि I should get married। क्या ना पुत्र जी, अब अगली बार जब आओगे ना तो आपके लिए आपके जैसी सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बना के रखूंगी मैं। चल मेरी हेल्प कर। आप चाची, मैं मैडम जी को घर छोड़ के। बाय आंटी। बाय बेटा। ठीक है मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अरे गुड्डू इधर आना। मैडम जी आप गाड़ी में बैठिए, मैं आता हूँ। बाय आंटी। बाय बेटा। पुत्र जी बेटा तेरा दोष नहीं है, मैडम जी है ही इतनी खूबसूरत और प्यारी कि किसी का भी दिल उसके ऊपर आ जाए। पर बेटा दिल मत लगा बैठना, टूटेगा ना तो तुझे बहुत तकलीफ होगी। समझ रहा है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? क्या बोल रहे हो आप, मुझे लेट हो रही है, मुझे मैडम जी को छोड़ना है। समझ गया। गुड्डू तुम जानते हो लंदन में कभी किसी ने मुझे ड्राइव करना ही नहीं सिखाया, तुम मुझे सिखाओगे? अरे मैडम क्यों गरीब के पेट पे लात मार रही हो, आपको जहाँ जाना होगा ना मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगा। Stop calling me madam जी। ये madam जी क्या होता है? तो फिर मैं आपको किस नाम से पुकारूं? नाम से क्या? We're friends. Okay. से प्रीति। बोलो प्रीति। अरे मैडम जी क्यों? आप एक काम कीजिए, आप ना पीछे जाके बैठ जाइए। क्यों? मैडम जी ये लंदन नहीं, पंजाब का एक छोटा सा गांव है जहाँ पे औरतें घूंघट डाल के रहती है और आप ऐसे कपड़ों में, आपके लिए कंधे पे हाथ रखना, लड़कों से बात करना ये सब आम है, पर इस गांव में ये सब बहुत ही गलत नजरों से देखा जाता है। गुटू मतलब इतनी देर से तुम
मेरे बारे में ये सब सोच रहे थे? नहीं 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 मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। आप बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बिल्कुल साफ है, पर ये लोग गलत समझेंगे। बाहर में गए ये लोग यार। I'm friends with you, you are my friend. मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये लोग क्या सोचेंगे। You're right. I won't understand. मैं पीछे जाके बैठ जाती हूँ। तुम चलाओ अपनी गाड़ी और सोचो अपने गांव के लोगों के बारे में। अरे प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी सुन तो लीजिए। मैडम जी मैं कल के लिए, मैडम जी मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलने आया हूँ। मैडम जी मेरी एक बात तो आज मेरे गल लग जा तू। आजा माही आ सोनिया, आके आज गल लग जा तू। तू ही मेरी जिंद, तू ही मेरी तकदीर रे बन गया। मैडम जी आपके लिए पौष्टिक फूल। मैडम जी माफी तो दे दो। फॉलो कर रहे हो? अब तुम्हारी ये गांव की घूंघट वाली औरतें नहीं देखेंगी। यू दो बातें करने वाला इंसान। मैडम जी ठीक कह रहे हो आप, कर दो मेरी ऐसी की तैसी, मैं हूं ही टू पीपल फेस। रुको, गुड्डू यू सो इनोसेंट। ओके ऑन वन कंडीशन। कंडीशन? काकीज, गाड़ी की चाबी। ओके जी ओके। गुड बॉय शिफ्ट। मैडम जी ब्रेक ब्रेक आराम से। I'm so sorry गुड्डू, योर कार। कोई नहीं जी, गड्डी तो है, ठीक हो जाएगी। लेकिन आप तो ठीक हो ना? हाँ I'm fine, but घर कैसे जाएंगे? और मेरा फोन भी। घर? हाँ जी एक काम कर सकते हैं जी, मेरी चाची का घर यहीं पे पास में ही है, वहाँ पे आप थोड़ी देर आराम कर लो, अगर भूख लगी है तो कुछ खा पी लो, तब तक गड्डी भी ठीक हो जाएगी। ओके। पैसे गुड्डू, सो सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। कोई नहीं जी, आइए जी। मैडम जी चाची गई है गुरदासपुर सिलवाई सूट दे जी। आपको खाना बनाना आता है? कोई नहीं जी, आप थोड़ी देर आराम कर लो, अगर भूख लगे तो रसोई सामने है, मैं गाड़ी देख के आता हूं। ओके कम बैक सून जी। कम बैक सून, कम बैक सून।
आता हूँ जी, आता हूँ। कहाँ गई होगी वो, किसी को जानती भी नहीं है। वो उसका दोस्त है ना यहाँ, गुड्डू। कौन, वो गाड़ी वाला? हाँ। मुझे पहले से ही उसके इरादे सही नहीं लग रहे, जरूर वो ही प्रीति को कहीं लेकर गया होगा। पता नहीं कहाँ गए होंगे वो दोनों। गुड्डू, are you okay? Sorry मैडम जी, वो मैं लेट हो गया, लेकिन गाड़ी ठीक हो गई है, हम घर चल सकते हैं। You know what? Come, come. मैडम जी। गुड्डू। हाँ। बैठो इधर। Sit down, एक मिनट, एक मिनट। Take your shirt off. Oh God, निकालो इसे। ओके, रिलैक्स। गुड्डू, ये टी शर्ट निकालो पहले। बस हो गया। हाँ बिट्टू, हाँ सेकंड, रिलैक्स। Okay. हाँ? किसने कहा इतनी बारिश में ड्रेंच होने को? I got scared, Kuttu. Are you mad? Lie down now. Lie down. मैडम जी। हाँ जी, आप कौन? उसका होने वाला मंगेतर। तू कौन? अब ही इज गुड्डू, ही इज माय फ्रेंड एंड आई रियली लव हिम रणबीर, आई रियली डू। I want to get married to him, Ranveer, and I'm very sure about it. जी पापा जी, जी जी यहीं पे ही है जी। हाँ जी, कोई टैक्सी ड्राइवर है। हाँ जी, बोल रही है कि काफी अच्छा दोस्त है, प्यार करने लगे हैं दोनों आपस में। पापा जी एक काम करो, आप ही बात कर लो जी। Yes, Papa.
I know, Papa. I'm sorry. I'm really sorry, Papa. No, no. I'm coming home. I know you love me. I love you too, Papa. But promise me that you'll hear me out. No, no, Papa. मैं आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। लव। गुड्डू। मैडम जी। I know this is shocking for you, but trust me, मैंने भी realize नहीं किया कि I fell in love with you. I love you, Guddu, and I really do. क्या तुम मुझे अपनी व्हाट डू यू कॉल इट, हाँ व्हाट यू बनाओगे? प्रीति जी, अगर आप मेरी प्रीतो बनना चाहती हैं तो इस दुनिया में मुझ जैसा खुश नसीब और कोई नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप इन लोगों के साथ जाइए। हॉली हॉली चले, मैं आता हूं ना पीछे से, छेती छेती। प्रॉमिस? पक्का जी पक्का। आ जाएगा आ जाएगा। अब तुम आओगे ना गुड्डू? हाँ पक्का जी। चले रात बिता के आ रही हो? एंड व्हाट आर यू थिंकिंग? उस आवारा सैम को पैसे दिए थे तुम्हारी जिंदगी से बाहर जाने के लिए, और अब तुमने एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लिया। एंड नाउ यू लिसन, आज के बाद तुम वही करोगी जो हम बोलेंगे, समझी? आई डोंट बिलीव इट पापा, आपने पैसे खिलाए सैम को, बट यू नो व्हाट पापा, थैंक्स। ना मैं गुड्डू से कभी मिल नहीं पाती। I genuinely love him, पापा। मुझे कुछ और नहीं सुनना है। रणवीर, इसे कमरे में ले जाओ। और सुनो, आज रात की फ्लाइट से हम दिल्ली चले जाएंगे, ताकि इस लड़की की वजह से हमारे खानदान की इज्जत और मिट्टी में ना मिल जाए। ले जा। No, पापा, please. ले जा इसे। पापा, please don't do this to me, पापा. One second, ले जा। पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ, पापा. Why don't you get it? रणवीर का गुड्डू को जानबूझकर गुंडों से पिटवाना, कुलदीप सिंह का अपनी ही बेटी पर बरस पड़ना ज्यादा था। हाँ, ये सोसाइटी, रिश्ते नाते, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी एक टैक्सी ड्राइवर के साथ हो, या वो उससे प्यार करे, क्योंकि हम ना इश्क को हैसियत के तराजू में तोलते हैं। क्या इश्क धर्म, जात पात, हैसियत ये सब मानता है? क्या इश्क इनका वजूद मांगता है? तुम तो मेरी बात समझो रणवीर, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। गुड्डू के साथ ये सब प्लान नहीं था, और वो सैम जैसा बिल्कुल नहीं है। He loves me, not my money. मुझे पता है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे ये भी पता है कि गुड्डू तेरे पैसों से प्यार नहीं करता। पर मैं तो करता हूं तेरे पैसे से प्यार, बहुत प्यार करता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या रणवीर? हाँ पागल हो गया, पर तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, भले ही मेरी इज्जत खराब हो जाए। तो किसने कहा तुमसे कि मुझसे शादी कर लेना?
जाके पापा को क्यों नहीं कह देते? यह डिस्गस्टिंग रणवीर। नहीं कह सकता ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सेनोरिटा। और अगर उन्हें बता दिया तेरे पापा को तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? लगी शिट। रणवीर प्लीज। अगली बार जब आओगे ना तो आपके लिए आपके जैसे सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बना के रखूंगी मैं। मैडम जी। ओ यार, कितना बेदर्दी से मार रहे हैं मेरे बच्चे को। अरे इतने मार खाने के बाद भी तू उस लड़के को याद कर रहे हैं। गुड्डू जी, वो जा रहे हैं मैडम जी को लेकर दिल्ली, वो भी हमेशा के लिए। गाड़ी की चाबी। सुन गुड्डू, तू नहीं जाएगा वहाँ। क्यों जा रहा है वहाँ फिर तू? तुझे सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। बच्चा गुड्डू तेरे पैसों से प्यार नहीं करता, पर मैं तो करता हूँ। तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। ये लीजिए पापा, मॉम की कंगन। मैंने इसे अपनी लाइफ के सबसे बड़े ओकेशन के लिए सेव किया था। माय वेडिंग पापा। माँ ने कहा था कि प्रीति इसे अपनी शादी पर जरूर पहनना, पर अब मैं ये नहीं ले सकती पापा, क्योंकि ये शादी नहीं, ये तो बस एक डील है, राइट? आपको क्या लगता है कि रणवीर मेरे लिए सबसे बेस्ट है? पापा, रणवीर मेरे लिए तो क्या, रणवीर किसी के लिए भी बेस्ट नहीं हो सकता है पापा। मैं मानती हूँ पापा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट पापा जस्ट फॉर वंस आप दूसरों को छोड़ के अपनी बेटी पे ट्रस्ट कीजिए ना पापा। आप एक बार उस रणवीर के सामने ये कह दीजिए दैट यू गेटिंग मी मैरिड टू गुड्डू, और फिर देखना, यू विल सी द रियल रणवीर। प्लीज पापा, एक बार मेरी बात मान लीजिए ना पापा, प्लीज। गुड्डू, रणवीर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि प्रीति की शादी गुड्डू के साथ करूंगा। नहीं पापा, आपने गलत बोल दिया, गुड्डू के साथ नहीं, रणवीर के साथ। नहीं, गुड्डू के साथ। सुना, मैंने बोला था ये पूरा का पूरा खानदान पागल है। मैं कब से जायदाद के सपने देख रहा था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जब सब कुछ इतने पास है तुझे क्या लगता है मैं जाने दूंगा? पागल हो गए क्या बुड्ढे? पापा, पापा। अंकल, इसकी शादी मुझसे होगी, मतलब मुझसे होगी। प्रीति जी का हाथ छोड़। मेरी होने वाली बीवी मतलब मेरे होने वाली पत्नी। तू कौन है वे? तू बताएगा? चल गुड्डू।
दिल्ली हाथ पांव सलामत लेके जाना चाहता है या तुड़वा के? जलवीर अपने गुस्से पे काबू कर। अरे ये कराए पे पानी फेर दिया। कुलदीप जी से माफी मांग। हट। तुझे अगर इनके टुकड़ों पे जीने का शौक है ना तो तू जी, पर मैं मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। अंकल जी, उस रात मेरे और प्रीति जी के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने तो पूरी रात मेरा बुखार ठीक करने में गुजार दी। बहुत बोली है आपकी बेटी और दिल की बिल्कुल साफ। उनका जो पति होगा ना बहुत ही ज्यादा खुश नसीब होगा, बहुत ख्याल रखती है वो। आपकी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है और मेरे दिल में प्रीति जी के लिए उतनी ही इज्जत है जितनी आपकी। अगर मेरी हैसियत आपकी जितनी होती तो जरूर ये मेरी फोटी होती। लेकिन कोई नहीं जी, कोई नहीं, होता है। गुड्डू तुम कहाँ जा रहे हो? यू लव मी राइट? हाँ है ना? मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप खुश रहना। हाँ, और अपना ख्याल रखना गुड्डू। हमारा सफर यहीं तक था गुड्डू, प्लीज। मत जाओ प्लीज। अंकल जी रोक लो इसको, ऐसा मुंडा नहीं मिलेगा प्रीति जी के लिए। हाँ जी अंकल जी, आप रोको ना गुड्डू जी को। तो तेरा प्यार भी नकली था, तू भी हमारे पैसे के पीछे था। प्रीति तेरे बारे में क्या क्या कहती थी, तेरी औकात भी तेरे प्यार के जैसे ही निकली। मेरे प्यार पे शक मत करो अंकल जी, उठा के ले जाने की हिम्मत है और आपसे ज्यादा प्यार करने की औकात। बस एक बाप को एक बेटी से अलग नहीं करना चाहता। तो तुझे रोका है किसी ने? ले जा इसे, ये भी तुझसे प्यार करती है और तू भी इससे। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखोगे। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जानना, कैसे दिल को समझाए दिल मानना। प्रीति और गुड्डू की कहानी ने ये तो साबित कर दिया कि अगर बंदा रबदा हो और प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात ना उन्हें मिलाने में जुड़ जाती है। पत्थर दिल मोम बन जाता है और नामुमकिन मुमकिन, यही है प्यार की ताकत। और ऐसी ताकत और ऐसे प्यार को